तो काफी सीटें कांग्रेस जीत रही है। जी को लगना चाहिए या भजनलाल जी को लगना चाहिए या बीजेपी को लगना चाहिए? मेरे को तो ये लग रहा है, जो मैं पूरी तरह के आश्वस्त हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जो कह देता है वो थुक के नहीं चाटता है, इसलिए वो पक्का इस्तीफा देगा और वापिस भी नहीं लेगा, ये मैं जितना जानता हूँ। फिर वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी की मर्जी, मैं उस झगड़े में क्यों पड़ूं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किरोड़ी लाल जो मीणा जो कहते हैं वो करते, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिन राज्यों में बीजेपी दावे कर रही थी कि राजस्थान में हैट्रिक बनाएंगे हम 25 की, उत्तर प्रदेश सब जगह जो है कहीं ना कहीं लोगों ने नजर आया, बताता हूँ उनको पूछो क्या हुआ, मोरिया गया बोले क्या मान तो आप कौन सी 12-13 मोरिया गया बोले धागा पूछो भाई। जनता का आशीर्वाद है, जनता ने मन बना लिया कि ये बीजेपी झूठों की पार्टी है, जुमले देती है, ये झूठ बोलते हैं, हम बहकाव में आ गए विधानसभा चुनाव में और हमने बड़ी गलती कर ली, इसलिए उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट देकर के बहुमत से यहाँ से लोकसभा में भेजेंगे।